का जी राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त है फटाफट खबरों का, दिखाते हैं आपको सुपर फास्ट। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 पहुंची। अब तक 100 मरीज पूरी तरीके से ठीक, जबकि कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1071 पहुंचा। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 23 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 72 हुई। महाराष्ट्र में अब तक 217 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इसमें से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 25 लोग इस वायरस को हराकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया। ये समूह कोई भी योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सेना में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, इनमें कोलकाता में आर्मी अस्पताल में तैनात सेना के एक कर्नल हैं और दूसरे देहरादून में तैनात JCO। लॉकडाउन में किसी तरह की मानसिक परेशानी दूर करने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। लोग 0804611007 पर कॉल कर मनोचिकित्सकों से निशुल्क सलाह ले सकते हैं। लॉकडाउन के 5वें दिन केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्ती से लॉकडाउन करवाने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन तोड़ने वालों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। देश में लागू लॉकडाउन के बाद के हालातों पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद निगाह रखे हुए हैं। वे खुद रोजाना अलग अलग फील्ड के लोगों को कॉल कर हौसला बढ़ा रहे हैं। बिगड़ते हालात की तैयारी करते हुए सरकार ने देश भर के 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कोरोना आइसोलेशन सेंटर्स में बदलने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्यों में मौजूद 15,000 ITI भी आइसोलेशन सेंटर्स बन सकते हैं। लॉकडाउन के बीच देश में जरूरी चीजों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। सरकार ने माल सप्लाई के लिए कंपनियों को भी मालगाड़ी बुकिंग का ऑफर दिया है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए भारत भी चीन और दक्षिण कोरिया की तरह GPS तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है और इसकी सलाह ILBS के निदेशक डॉक्टर SK सरीन ने दी है। कोरोना से लड़ने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना 1 महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने की घोषणा की है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में लोगों से भी दान के लिए आगे आने की अपील की। रक्षा मंत्रालय ने पीएम केयर्स फंड में दान देने की घोषणा की। एक अनुमान के मुताबिक 500 करोड़ रुपए फंड में दान दिए जाएंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने कोरोना से लड़ने के लिए अपनी 1 दिन की सैलरी दान दी है। सुरक्षा बलों की ओर से पीएम केयर्स फंड को 116 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। पीएम केयर्स फंड में रेल मंत्रालय भी 151 करोड़ रुपए का दान देगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऐलान किया। पीएम केयर्स फंड में दान देने के लिए CBI अधिकारी भी आगे आए हैं। CBI अधिकारियों ने रविवार को ऐलान किया कि वे अपने 1 दिन की सैलरी इस फंड में दान देंगे। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए दान दिए। उन्होंने मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड का सेंटर बनाने की घोषणा की। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने COVID-19 फंड में अपनी 1 महीने की सैलरी दान देने की घोषणा की है। उन्होंने क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट को मरीजों की देखभाल के लिए खोलने का प्रस्ताव भी दिया। उधर पार्ले कंपनी अगले 3 हफ्ते तक जरूरतमंदों को बिस्किट के 3 करोड़ पैकेट बांटेगी। सनफार्मा कंपनी ने 25 करोड़ रुपए की दवाएं और सैनिटाइजर दान करने की घोषणा की। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि अचानक लॉकडाउन करने से लोगों में बहुत घबराहट और भ्रम पैदा हो गया है। सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जिससे ये एक बड़ी त्रासदी ना बन जाए। चलो इस बीच कुछ अहम खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैनिटाइजर की सप्लाई को लेकर ट्वीट किया है। CM ने कहा है कि राज्य सरकार गंगानगर और 5 अन्य डिस्टिलरीज से रोजाना 5 लाख हैंड सैनिटाइजर्स मंगवा रही है। प्रदेश के अस्पतालों में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। CM ने आश्वस्त कर दिया है कि सभी 33 जिलों में कोरोना वॉरियर्स के लिए सैनिटाइजर्स का प्रबंध किया जा रहा है। तो CM गहलोत लगातार हर एक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लगातार तमाम चीजों को लेकर किसी तरीके की परेशानी लोगों को और उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और इसी कड़ी में CM ने ट्वीट करते हुए कहा है कि राज्य सरकार गंगानगर और 5 अन्य डिस्टिलरीज से रोजाना 5 लाख
हैंड सैनिटाइजर्स मंगवा रही है और प्रदेश के अस्पतालों में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सीएम ने आश्वस्त कर दिया है कि सभी 33 जिलों में कोरोना वॉरियर्स के लिए सैनिटाइजर्स का प्रबंध किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा है कि आम जन घर में रहकर कोरोना से लड़ें। साथ ही सीएम ने ट्वीट करते हुए यह भी कहा कि ये वक्त डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को सैल्यूट करने का है। आपको बता दें कि राजस्थान दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि इस वक्त वो एकजुट रहें और साथ ही अपने घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत करें। उधर बड़ी खबर देते हैं जयपुर में, जहां पर लगातार कोशिशें हो रही हैं कोरोना पर काबू करने की, और इसी कड़ी में अब जयपुर शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। हेरिटेज और ग्रेटर निगम में चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा और इसी कड़ी में पहले चरण में हेरिटेज निगम में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। दूसरे चरण में ग्रेटर जयपुर निगम में सैनिटाइजेशन होगा। अगले 4 दिन तक युद्ध स्तर पर इसी तरीके से ये अभियान चलाया जाएगा। तो सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है जयपुर शहर में, जहां पर हेरिटेज और ग्रेटर निगम में ये सैनिटाइजेशन है। पहले चरण में हेरिटेज निगम में सैनिटाइजेशन प्रोसेस को शुरू किया जा चुका है, तो दूसरे चरण में ग्रेटर जयपुर निगम में इस सैनिटाइजेशन को किया जाना है और अगले 4 दिन में पूरे जयपुर को कवर किया जाएगा। ललित वर्मा जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, किस तरीके से प्रोसेस की शुरुआत हुई है, कहां कहां पर सबसे पहले सैनिटाइजेशन हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के जो 4 दीवारी क्षेत्र है उसको सैनिटाइज करने का काम शुरू किया जा रहा है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुख्य सचेतक महेश जोशी के नेतृत्व में ये सैनिटाइजेशन जो काम है वह शुरू किया जाएगा। यहाँ पर 4 ट्रैक्टर के माध्यम से हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। अगर अगले 4 दिन तक लगातार ये जो सैनिटाइजिंग का काम है ये किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो सैनिटाइज करने का काम है उसकी शुरुआत को यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, उन्होंने कल ही ये बयान दिया था कि राजधानी जयपुर चाहे हेरिटेज है चाहे ग्रेटर निगम है, उनको सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा और उसको अब यहाँ पर काम करने की शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पर जो सभी कार्यकर्ता हैं वह भी पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि 4 ट्रैक्टर हैं, उनके माध्यम से अब सैनिटाइज का जो काम है वह शुरू किया जाएगा। मुख्य सचेतक महेश जोशी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से ये पूरी जो काम है वह चलेगा। सर, आज से ये शुरुआत हुई है, आज से शुरुआत हुई है, किस तरीका का ये पूरा सैनिटाइजिंग का काम रहेगा? सैनिटाइजेशन का काम हमने पहले भी से शुरू कर दिया था, लेकिन आज बहुत तेजी के साथ हम इसको कर रहे हैं। आज और कल के अंदर हम हवा महल विधानसभा क्षेत्र को एक बार फिर से सैनिटाइज करेंगे, फिर उसके बाद में पूरे जयपुर को सैनिटाइज करेंगे। यंग ब्रिगेड सेवा दल संगठन से सीकर से लोग आए हैं, मैं उन सब नौजवानों को सलाम करता हूं जो एक जज्बा लेकर आए हैं, जयपुर को सैनिटाइज करने का संकल्प लेकर आए हैं। सीकर में इन्होंने गांव को, ढाणियों को, सबको सैनिटाइज किया है और अब जयपुर को सैनिटाइज करेंगे। हवा महल से शुरुआत करें, पूरे जयपुर में हम 4 दिन की आपने एक रणनीति बनाई है कि 4 दिन तक ये काम चलेगा, किस स्तर पर चलेगा, कहाँ कहाँ चलेगा, युद्ध स्तर पर भी आपने चलाने की इसका बयान दिया है? 4 दिन नहीं, जब तक पूरे जयपुर में सैनिटाइजेशन नहीं हो जाता तब तक ये यंग ब्रिगेड जो है सीकर की सेवा दल की ये यहाँ रहेगी, ये लगातार काम करेगी, सेवा करेगी। अब आज शुरुआत है और आने वाले 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन जितने में जयपुर सैनिटाइज होगा ये पूरा करेंगे। महेश जी, एक बात, मेरा सवाल है कि कल बसें चलाई हैं, लोगों को बाहर भेजा गया है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है कि आज से बसें बंद हो गई हैं, जो प्रदेश की सीमाएँ हैं वे सील हो गई हैं। देखिए, मैं अभी इसमें कुछ कहूँगा तो ऐसा होगा, अगर राजनीति हो रही है मैं इसमें कुछ कहना इसलिए नहीं चाहता कि अभी हम सबका लक्ष्य एक है, जो भी परिस्थिति सामने आ रही है हम उस परिस्थिति से निपटें। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन के आदेशों से हुआ, सब देख रहे हैं। जब बिना सोचे विचारे कोई निर्णय किया जाता तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, लेकिन मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता। राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 घंटे 7 दिन लगातार काम कर रहे हैं, हम उनके प्रयासों में उनके साथ सहयोगी हैं। केंद्र सरकार से डिमांड किए मुख्यमंत्री ने और पूरे देश की जनता उम्मीद कर रही है कि सारे राज्य, चाहे वो किसी भी पार्टी से शासित हों, उन सब राज्यों को मदद करनी चाहिए केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपना खजाना खोलें और सभी राज्य सरकारों को सहयोग करें।
महेश जी बात करेंगे, क्या सिर्फ बाहर बाहर सैनिटाइज किया जाएगा या घरों के अंदर भी जाएगा? गलियों के अंदर किया जाएगा भाई, हम तो हवा महल में तो हम कई दिन से कर रहे हैं। हमने पहले 40 मशीनें छोटी जो हैंड मशीनें हैं वो हमने उपलब्ध कराई हैं, 10 मशीनें हमने और मंगाई हैं जो अभी आज मेरे घर रखी हैं। तो निजी स्तर पर ये सारे हमारे प्रयास जारी हैं, ये भी निजी स्तर पर। इसके अलावा एक हमने जेट मशीन पहले से लगा रखी है, आज 5 मशीन लगी थी, एक मशीन रास्ते में ख़राब हो गई, वो भी शाम तक आ जाएगी। तो हम पूरे जयपुर का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, चूँकि देखिए मैं हवा महल का विधायक हूँ तो शुरुआत में जरूर यहाँ से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य सिर्फ हवा महल नहीं है, पूरा जयपुर मेरा लक्ष्य है, हम पूरे जयपुर को सैनिटाइज करें। बिल्कुल, पूरे जयपुर को सैनिटाइज किया जाएगा और ये जो कोरोना है इसको हराया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कर्फ्यू जो है, 7 थाना क्षेत्र हैं उसमें कर्फ्यू लगा हुआ है और शुरुआत यहीं से की जा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं कि इस जो लोग हैं वह यहाँ पर आए हैं, और इसमें जो बड़ी संख्या में लोग आए हैं क्योंकि ये सैनिटाइज करने के लिए ये सभी पहुँचे हैं, सब ने मास्क लगा रखे हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं, पूरे जो उपकरण हैं सुरक्षा के वह यहाँ पर अपनाए गए हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो सैनिटाइजिंग का काम है अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, अगले 4 दिनों तक ये युद्ध स्तर पर ये काम किया जाए और पूरे जो हेरिटेज क्षेत्र है इसके साथ ही ग्रेटर निगम है यहाँ पर ये काम करे, जो सैनिटाइजिंग है, हाइपोक्लोराइड है, उसका जो छिड़काव है वह किया जाएगा। तो ऐसे में आने वाले टाइम में अपने अपने स्तर पर ये कार्य किए जा रहे हैं, इससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस से जो जंग लड़ी जा रही है उस पर काफ़ी हद तक जो नियंत्रण है वह कहीं ना कहीं इस जो ये छिड़काव हो रहा है इससे भी पाने की पूरी संभावना है। जी चलो ललित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो है कोशिशें जा रही हैं, सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी शुरू यहाँ पर कर दिया गया है जयपुर के अंदर, 2 चरणों में इसे यहाँ पर किया जाएगा जैसे ललित ने यहाँ पर जानकारी दी, और अगले 4 दिनों तक या फिर जब तक भी पूरा सैनिटाइज जयपुर जो है वो नहीं हो जाता है, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं उस संदर्भ में लगातार इस सैनिटाइजेशन प्रोसेस को चलाया जाएगा। चले बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 60 हो चुकी है, एक ही परिवार में 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो वहीं जोधपुर में ईरान से आए एक शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के संकट काल के बीच ईरान से जोधपुर लाए गए 275 भारतीय एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग आइसोलेशन कैंप में शिफ्ट किया गया। अलवर के खानपुर गांव में एक 68 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, मौत के बाद मेडिकल टीम और पुलिस पहुंची खानपुर गांव। 18 मार्च को रूस से गांव में आया था एक रिश्तेदार भी है कई दिन से होम आइसोलेशन पर रेवाड़ी में। कोरोना वायरस का पहला मरीज अजमेर में मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल को कोरोना के लिए आरक्षित कर दिया गया है, कई बड़े होटल धर्मशाला को भी प्रशासन ने अधिग्रहित किया है जहां पर आपात स्थिति में मरीज रखे जाएंगे। भिलवाड़ा में 10 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, जिला सील कर दिया गया है जिसके चलते ना कोई बाहर आ सकता है, यहाँ का कोई व्यक्ति ना आ सकता है और ना बाहर जा सकता है। आपको बता दें कि जिले भर के अब तक कोरोना के 25 मामले सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन के बीच आगरा रोड पर हजारों लोगों का पलायन जारी, लोग अपने अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हैं। देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्यों से लोगों का अभी भी करौली जिले में आना जारी है। जयपुर, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद, हरियाणा स्थानों से जिले सैकड़ों लोग लौटे हैं और इन सब की सामान्य चिकित्सालय में स्क्रीनिंग की गई है। सिरोही जिले के आबू रोड में रीको थाना के राजस्थान गुजरात सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की भीड़ देखी जा रही है। राजस्थान गुजरात सीमा पर चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा सभी बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर राज्य में प्रवेश दिया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद कामगारों का किसी भी तरह घर पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर अलवर सरिस्का मार्ग पर प्रशासन द्वारा ऐसे अनेक वाहनों को रोका गया और मौके पर ही इन लोगों की स्क्रीनिंग की गई। विभिन्न राज्यों से पलायन कर रहे अलवर के रहने वाले 3 दर्जन से ज्यादा मजदूर बाड़मेर में बॉर्डर इलाके में फंसे पड़े हैं। वहां से आगे जाने के लिए उन्हें बाड़मेर कलेक्टर की परमिशन की जरूरत है जो मिलना मुश्किल है। दौसा में जयपुर से रोडवेज में सवार होकर लौट रहे लोग, रोडवेज बसें ऊपर से नीचे तक खचाखच भरी नजर आ रही हैं, कई लोग बसों से उतरकर पैदल चल पड़े।
कापरेन कस्बे में मजदूरी करने आए नाहरगढ़ जिला बारां के 25 लोगों ने अधिशासी अधिकारी से अपने गांव पहुंचने की गुहार लगाई। अजमेर के कैरेज वर्कशॉप ने नया प्रयोग करते हुए ट्रेन के एक कोच को आइसोलेशन वार्ड के रूप में विकसित किया है। लोको वर्कशॉप द्वारा इस कोच की रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेजी गई। कोरोना को लेकर पाली में धारा 144 लगी, लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 की धज्जियां उड़ाई गई। पास बनाने को लेकर उमड़ी भीड़, एसडीएम ऑफिस के बाहर भी लगा लोगों का जमावड़ा। झुंझुनू के गुढ़ा गौडजी में कुछ व्यापारियों द्वारा कालाबाजारी करने की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। तहसीलदार गोपाल कृष्ण शर्मा ने दुकानों पर छापे मारे और कालाबाजारी कर रहे व्यापारियों को चेतावनी दी। बारां शहर में लॉकडाउन का फायदा उठाकर मूल्य से अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ रसद विभाग ने कार्रवाई की और दो दुकानों को सीज किया। अलवर जिले में अभी तक कोरोना वायरस से कोई संक्रमित नहीं मिला है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों के सहयोग से अभी तक करीब 60 वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई। अलवर जिले में कोरोना वायरस को लेकर अभी तक 92 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट में 72 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने जिला कलेक्टर और एसपी से जिले की स्थिति पर चर्चा की। कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहे लॉकडाउन का उदयपुर में व्यापक असर देखा जा रहा है। सुबह से ही शहर की सड़कें वीरान और सुनसान रहती हैं, हालांकि लोग अपने जरूरी काम से घरों से बाहर जरूर जा रहे हैं। लॉकडाउन के पांचवें दिन सवाईमाधोपुर में अधिकांश इलाकों में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। जिला मुख्यालय पर लगने वाली सब्जी मंडी को पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरीके से बंद करा दिया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रतिदिन 1000 पैकेट भोजन तैयार करवाया जा रहा है। देशव्यापी संकट की इस घड़ी में कोटा शहर के कुछ युवा संकट मोचक बनकर इन लोगों को खाना खिला रहे हैं। छोटे छोटे समूहों में ये युवा फुटपाथ और कच्ची बस्तियों में जाकर भोजन के पैकेट बांट रहे हैं। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में एम्बुलेंस संकट। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सोमवार दोपहर 3 बजे से एम्बुलेंस सेवा बंद करने की घोषणा की। एम्बुलेंस एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, तो वहीं कोरोना मरीजों को लाने ले जाने के लिए उन्हें मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और पीपीई किट नहीं मिल रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहे लॉकडाउन का उदयपुर में व्यापक असर देखा जा रहा है। सुबह से ही शहर की सड़कें वीरान और सुनसान रहती हैं, हालांकि लोग अपने जरूरी काम से घरों से बाहर जरूर आ रहे हैं। जयपुर के परकोटे में कर्फ्यू में ढील देने को लेकर आज फैसला किया जा सकता है। डीसीपी राजीव पचार ने इस बारे में कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों के 7 थाना अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने को कहा। इस रिपोर्ट को पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को भेजा जाएगा। सीकर जिले के खंडेला ब्लॉक में कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा है। स्वास्थ्य कर्मियों की 97 टीमें लगातार घर घर जाकर सर्वे का कार्य कर रही हैं। बांसवाड़ा में भी लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है। नगर परिषद की पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन भी लगातार सड़क और गलियों में घूमकर जरूरतमंद परिवारों को राशन बांट रही है। तिजारा कस्बे में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और सहायिकाओं की टीम घर घर में जाकर लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रही हैं, तो वहीं घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। झुंझुनू के बाकरा गांव में युवा शिक्षकों द्वारा गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर कोरोना वायरस महामारी से लड़ने और बचाव के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते राजस्थान पंजाब बॉर्डर पूरी तरीके से सील, बावजूद इसके अमृतसर से चलकर 1.5 दर्जन लोग राजस्थान सीमा पर पहुंचे। ये लोग गंगापुर सिटी जाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। लॉकडाउन की इस लड़ाई में पूर्व पुलिसकर्मी या फिर अधिकारी भी पीछे नहीं है। झुंझुनू में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पूरे गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करा रहे हैं, साथ ही लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं। चुरू जिले में सादुलपुर के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जागरूक जिला परिषद सदस्य कुलदीप पुनिया ने करीब 7 गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव करवाया। झुंझुनू में कई भामाशाहों ने भूखों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है। मुरारी केठानिया के नेतृत्व में युवा लड़के भूखों को गर्मा गर्म भोजन खिला रहे हैं।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब जोधपुर जिला प्रशासन ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की भी सेवा लेनी शुरू कर दी है। जोधपुर के तीनों विधानसभा क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया। सीकर जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंह देव नीमका थाना के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कपिल अस्पताल का निरीक्षण कर पीएमओ जीएस तंवर को कोरोना वायरस को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झालावाड़ शहर में कोरोना निरोधक सहायता समिति गरीबों के लिए मसीहा का काम कर रही है। समिति के माध्यम से दर्जनों लोग टीम बनकर शहरी और ग्रामीण कस्बों तक जरूरतमंदों को राशन बांट रहे हैं। झुंझुनू में ग्रामीण इलाकों में भी जरूरतमंदों की सेवा और उनके घर का राशन संभालने के लिए भामाशाह आगे आ रहे हैं, और इसी क्रम में इस्लामपुर के किराना व्यापारी समाजसेवी सज्जन कुमार खेतान ने 50 गरीब असहाय परिवारों को राशन सामग्री बांटी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जयपुर डेयरी प्रयासरत है। जयपुर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश पुनिया ने 1,11,00,000 रुपए का चेक काटकर मदद की घोषणा की। बीकानेर में दर्जनों की संख्या में यात्री पहुंचे बस स्टैंड, बसें नहीं मिलने से शहर की तरफ निकले लोग अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए ढूंढ रहे हैं वाहन। झुंझुनू के चिड़ावा डीएसपी रघुवीर प्रसाद शर्मा और चिड़ावा थाना अधिकारी लक्ष्मी नारायण सैनी की मौजूदगी में गरीबों की बस्ती में करीब 400 लीटर दूध का वितरण किया गया और गरीबों को खाना खिलाया गया। बीकानेर में कार्यरत एक दंपत्ति के चर्चे झुंझुनू तक हैं। दोनों पति पत्नी सामाजिक संदेश देने का काम कर रहे हैं और साथ ही अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। दोनों लोग घर में मास्क तैयार कर उन्हें जरूरतमंद लोगों को बांट रहे हैं। कोरोना महामारी सतर्कता को लेकर भोपालगढ़ प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भोपालगढ़ पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी सुखाराम पंडेल की अध्यक्षता में पंचायती राज और राजस्व कार्मिकों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। झुंझुनू के नालपुर गांव में पानी की किल्लत के आगे लॉकडाउन का आदेश फेल नजर आ रहा है। गांव के सार्वजनिक नल पर महिलाओं को लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं और इससे न केवल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं बल्कि कोरोना संक्रमण के खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सीकर जिले के नीमका थाना में विधायक सुरेश मोदी ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सामग्री के 605 पैकेट और 2,11,000 रुपए की राशि का योगदान दिया। विधायक सुरेश मोदी ने खाद्य सामग्री वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीकर जिले के खाटू श्यामजी में मदन पुजारी मेमोरियल ट्रस्ट और सिंगपोल हनुमान मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 2,00,000 रुपए की खाद्य सामग्री और मास्क समेत सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराए गए। रामगढ़ सरपंच शकुंतला सैनी के पति बलिराम सैनी ने प्रशासन के सहयोग से कस्बे के गरीब लोगों को मदद पहुंचाई और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री के पैकेट बांटे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोग कोविड-19 मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करा रहे हैं। जोधपुर में शनिवार को आशापूर्ण बिल्डकॉन ग्रुप ने 11,11,000 रुपए का चेक कलेक्टर को सौंपा। कोरोना से लड़ाई में रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क लिमिटेड भी आगे आई है। कंपनी प्रबंधन की तरफ से कोविड-19 मुख्यमंत्री राहत कोष में 11,00,000 रुपए सहयोग राशि प्रदान की गई, तो वहीं रेडियंट कर्मचारियों ने भी कोरोना से लड़ाई में अपने एक दिन का वेतन राहत कोष में दिया है। बांसवाड़ा शहर में कोरोना वायरस को लेकर अब जिला कलेक्टर और नगर परिषद सभापति पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। बाजारों में भीड़ कम हो इसके लिए अब लोगों को घर बैठे ही सब्जियां और किराना का सामान भेजना शुरू कर दिया। चुरू जिला मुख्यालय पर चुरू विधायक और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने निःशुल्क खाद्य सामग्री की पहली खेप की गाड़ी को अपने निवास से रवाना किया। राजेंद्र राठौड़ ने भामाशाह के सहयोग से लगभग 10,000 पैकेट रसद सामग्री के तैयार करवाने का लक्ष्य रखा है। लॉकडाउन के चलते पूरे भारत में रेलों का संचालन बंद है और ऐसे में रेल विभाग के पास रेलों को के खाली रैक खड़े करने की समस्या पैदा हो गई है, इसलिए आसपास के रेल स्टेशन का सहारा लिया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले में केसरी सिंहपुर में कई ट्रेनों को खड़ा किया गया है। उधर राशन की दुकानों पर पहले दिन ही गेहूं वितरण व्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर नजर आई। सरकार की ओर से 60% दुकानों पर राशन का गेहूं पहुंचा, जिन दुकानों पर गेहूं नहीं पहुंचा वहां पर उपभोक्ता इंतजार करते और फोन करते नजर आए। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन का पांचवा दिन है। कुछ जगहों पर सामान को लेकर मारामारी मची है। कोटा के नांता इलाके से आटे से भरे मिनी ट्रक पर लोग टूट पड़े। पुलिस ने लूट के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।
हेलो हाय को कहें बाय, आदत में नमस्ते को लाएं। हर घंटे साबुन से धोएं हाथ, फिर सैनिटाइजर से करें साफ। सर्दी खांसी या हो बुखार, चेकअप के लिए हो जाएं तैयार। मंदिर मस्जिद मेला और बाजार, इनसे रखें दूरी बने समझदार। याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही है कोरोना से बचाव।